बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद वसीम। आई एम स्टूडेंट ऑफ एमफिल। मेरा रोल नंबर इज़ 54। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। व्हाट इज़ जनरलाइजेशन? अ जनरलाइजेशन इज़ अ ब्रॉड स्टेटमेंट अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल आर थिंग्स। जनरलाइजेशन जो है ना, एक जो है ना अहम किस्म की स्टेटमेंट होती है जो जो के कुछ लोगों के ग्रुप या उसकी चीज़ों के मुताल्लिक होती है। मतलब एक सरसरी तौर पे हम जो एक रिज़ल्ट कहते हैं उसको हम जनरलाइजेशन ही कहेंगे। इट स्टेट समथिंग कॉमन। जनरलाइजेशन वो चीज़ है जिसमें हम जनरलाइजेशन हम उस चीज़ को कहेंगे जो कि ज़्यादातर जिस ग्रुप को हम स्टडी कर रहे हैं उसमें वो चीज़ कॉमन पाई जाए। उन चीज़ों में भी वो चीज़ कॉमन पाई जाए हम उसको जनरलाइजेशन। इट इज़ अ जनरलाइजेशन। यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस बेस्ड ऑन पर्टिकुलर फैक्ट्स आर कॉल्ड जनरलाइजेशन। तो जो प्रपोजिशन मीन्स के ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, तो हम उस तरह की स्टेटमेंट को हम प्रपोजिशन कहते हैं। तो इनसे जो है ना, जो हम पर्टिकुलर फैक्ट्स वगैरह जो हम हासिल करते हैं, तो इस तरह की स्टेटमेंट को हम जो है ना जनरलाइजेशन कहते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल, ऑल क्राउड्स आर ब्लैक, मतलब तमाम कौवे काले होते हैं। तो इसकी ये एग्जांपल है। तो ये हमने जनरलाइजेशन रख दिया। हालांकि कुछ ऐसा भी जो हैं जो वाइट किस्म के जो है ना काउज वगैरह होते हैं जो बर्फानी इलाकों में होते हैं, मगर जनरली तौर पर ब्लैक होते हैं। ब्लैक क्राउज की तादाद ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हम जो है ना इसकी जनरलाइजेशन ब्लैक ही को कंसिडर करते हैं। जनरलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स। रोल ऑफ जनरलाइजेशन इन एडवांस मैथमेटिकल थिंकिंग। जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रक्शन बोथ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द माइंड्स ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स एज दे स्टडी हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स। यानी कि जनरलाइजेशन और जो एब्स्ट्रक्शन है वो जो है ना स्टूडेंट की थिंकिंग पे काफ़ी असरअंदाज होती है जब वो हाई लेवल की मैथमेटिक्स को रीड करता है। मीन्स उसके अंदर जो है ना चीज़ों को जनरलाइज करना और ख्याली चीज़ों को समझने में उसे आसानी पैदा होती है। इन द सेकेंड चैप्टर ऑफ द स्प्रिंग बुक एडवांस मैथमेटिकल थिंकिंग, टॉमी ड्रीफस डिफाइन जनरलाइजेशन एज द डेरिवेशन आर इंडक्शन फ्रॉम सम पर्टिकुलर टू समथिंग जनरल बाय लुकिंग एट द कॉमन थिंग्स एंड एक्सपेंडिंग देयर डोमेन्स ऑफ वैलिडिटी। जनरलाइजेशन से हम जो है ना कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से हम कुछ जनरल चीज़ों को जो है ना समझते हैं। इसके बारे में टॉमी डेरिफस ने अपनी एक बुक में जो लिखा हुआ है। तो इसके अलावा, एज वी टीच आवर ऑन मैथ कोर्सेज, जैसा कि हम अपने मैथमेटिक्स के कोर्सेज में रीड करते हैं, वी कैन लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू इंट्रोड्यूस जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू हेल्प आवर स्टूडेंट बेटर अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न बिहाइंड वट दे आर लर्निंग। यानी कि ये जो जनरलाइजेशन और एब्स्ट्रक्शन है, ये हमें हमारे स्टूडेंट को मज़ीद अच्छे अंदाज में उनकी लर्निंग के बारे में बताती है कि वो किस तरह सीख रहे हैं और मज़ीद वो अपने सिखलाई में, मैथमेटिक्स की सिखलाई में, मैथमेटिक्स की स्किल्स को मज़ीद वो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। डेरिफोस सेज दैट न्यूमरस मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज इक्वेशंस, नंबर्स एंड फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द क्लासरूम इन द कंटेंट्स ऑफ जनरलाइजेशन इन ऑर्डर टू मेक स्टूडेंट मोर कम्फर्टेबल विद अपकमिंग मैथमेटिक टॉपिक्स, बट इट कैन मोर टेक मोर मेंटल एफर्ट फॉर स्टूडेंट टू जनरलाइज कॉन्सेप्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू माई टीचिंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट टेंड नॉट टू ट्राई देयर बेस्ट टू जनरलाइज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इफ दे डू नॉट रिसीव गुड गाइड्स फ्रॉम देयर टीचर्स। जो है ना टॉमी ये कहना चाहता है
के जो है ना हमारे जो इक्वेशंस हैं, नंबर वगैरह है, ये हैं जिनको हम क्लास में टीचर स्टूडेंट डिस्कस होती है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग देनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि टीचर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट को फोकस कराए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको डिटेल में चीज़ों को बयान करने की कोशिश करे। तो इससे जो है ना स्टूडेंट का जो है ना इंटरेस्ट और उसकी स्किल्स में मज़ीद इजाफा होगा। बिलीव दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट बर्न एज मैथमेटिशियन बट दे आर बर्न विद अ ब्रेन दैट कैन बी क्रिएटिवली इन्हांस्ड बाय कंटिन्यूइंग द प्रैक्टिस ऑफ जनरलाइजेशन दैट कैन देन लीड टू एब्स्ट्रैक्शन। यानी स्टूडेंट पदाशी तौर पर तो मैथमेटिशियन नहीं होता, लेकिन अगर वो बार बार कोशिश करे और चीज़ों को एक नया अंदाज से क्रिएट करने की कोशिश करे तो वो इससे जो है ना ख्याली चीज़ों पर वो लीड कर जाएगा और कोई ना कोई जनरल कॉन्सेप्ट बना लेगा। यानी कि इसमें वोटों में ये कहना चाहता है कि बार बार अगर स्टूडेंट को मौका दिया जाए मैथमेटिक्स में बार बार चीज़ों को समझने के लिए तो वो डिफरेंट से डिफरेंट रिजल्ट क्रिएट करेगा। और उस डिफरेंट से डिफरेंट रिजल्ट से हम अगर मैथमेटिक्स में हम ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को ही स्टडी करते हैं तो उन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझने में या समझाने में एक स्टूडेंट के लिए एक अच्छा काम होगा, हेल्पफुल उसके लिए काम होगा।